एक्स क्यूब डी वाई, एक काम करते हैं डी वाई वाले टर्म एक साथ लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, और डीएक्स वाले एक साथ लेते हैं, डीएक्स वाले एक साथ लेते हैं तो वाई भी कॉमन है इसमें, तो वाई कॉमन ले लो, यहां लिख दो वाई डीएक्स के साथ क्या क्या बचा बोलो, टू माइनस एक्स डीएक्स है ना, ठीक है। तो ऐसा हो गया डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका तो हो गया लॉग वाई, इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से सिखा देता हूं मैं, है ना। तो ये कितना है, टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप अलग से मैं बोलूं कि इसको इंटीग्रेट करो, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन तो एक्स माइनस वन, तो आप कैसे करते हैं, अगर याद हो तो आप इसको ऐसे करते हैं, डायरेक्ट तरीका सिखाया हुआ है वो यूज करते हैं फटाफट, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो बी मिल जाएगा, जीरो रखी तो बी की वैल्यू आई माइनस ऑफ टू, माइनस ऑफ टू, एक्स की जगह जीरो रखा तो टू और ये माइनस आ गया ठीक है, और एक्स की जगह वन रख दीजिए तो ये वन, सी की वैल्यू आ गई वन। अब बची केवल एक ही निकालना, वो कंपेयर करके निकाल सकते हो, तो टू माइनस एक्स इक्वल टू ए इंटू ऐसा मिलता, देखो मेंटली कर सकते हैं आप, ए इंटू एक्स एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू ओनली एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लेते तो ए प्लस सी, सी की वैल्यू वन है तो ए की माइनस वन हो गई। अब ए की माइनस वन होने से ये आ गया माइनस वन, तो एक तरह से मुझे इंटीग्रेशन मिला माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वन बेटा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट इसके मैंने डायरेक्ट इंटीग्रल लिखे हैं, वही आपको सीखना है, वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन, पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाया था ध्यान होगा आपको। अब क्या होगा कि वाई टू पर, मतलब एक्स की वैल्यू टू पर ई है, तो यहां ई रखा लॉग ई वन होता है, यहां पर टू रखा तो माइनस लॉग टू, टू बाय टू वन, प्लस टू रखा तो लॉग वन जीरो, ये वन से और प्लस सी लिखना था यहां, वन से वन कैंसिल, तो सी की वैल्यू आ गई बेटा लॉग ऑफ टू, खत्म क्वेश्चन, सी की वैल्यू क्या आ गई लॉग ऑफ टू। तो अब लॉग ऑफ टू आ गई, तो अब लॉग वाई इक्वल टू बोलो क्या लिखते हैं आप, माइनस लॉग एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग टू। पूछा क्या है, वाई फोर, यानी एक्स की वैल्यू फोर पर वाई क्या है, तो एक्स की वैल्यू फोर रखो तो लॉग वाई माइनस लॉग फोर वन बाय टू, अच्छा यहां पर बचा कितना लॉग थ्री प्लस लॉग टू, ये हो गया लॉग सिक्स, तो लॉग वाई इक्वल टू हो गया लॉग सिक्स बाय लॉग फोर, यानी लॉग थ्री बाय टू प्लस वन बाय टू, एंटी लॉग ले लो तो वाई इक्वल टू ई पावर वन बाय टू इंटू थ्री बाय टू, देखो किसी में थ्री बाय टू इंटू रूट ई, दिस इज द राइट आंसर।